जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाजमाबाद पापोश में, और यहाँ पर बटेर की यखनी काफ़ी मशहूर है और बहुत रश होता है यहाँ पर। तो सोचा आज क्यों ना बटेर की यखनी ट्राई की जाए। इस वक्त ये बटेर भी है, साथ साथ हमने ये बटेर लिया है और बटेर के साथ इसकी यखनी है। अब इसका टेस्ट किस तरह से है, पहले तो मैं ये बटेर को टेस्ट करते हैं। देखने में तो ये जो है वो छोटी चिकन लग रही है, लेकिन ये बटेर है। अच्छा, बटेर है और उसके साथ ये इसकी यखनी है। अच्छा, वैसे तो उसका टेस्ट तकरीबन चिकन जैसा ही इसका टेस्ट है, लेकिन इसकी यखनी का टेस्ट कैसा है, लोग जो है वो काफ़ी पसंद करते हैं और इनके पास रश होता है। ये रात को तकरीबन 8:30 बजे से लगाते हैं स्टॉल इनका लगता है, और सुबह 4 बजे तक इनका स्टॉल जो है लगा रहता है। अच्छा टेस्ट है इसका, और वैसे तो एक आम यखनी का सा टेस्ट आ रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी है। इनके मसाले हैं जो इसके अंदर डले हुए हैं, साथ साथ जो है वो बटेर भी डली हुई है और चिकन जो है वो भी इन्होंने डाल के दी है। तो अच्छा टेस्ट है इसका, आए इसको ट्राई करें। अब ये तैयार किस तरह से होता है, कितने की ये फरोख्त होती है, मज़ीद देखिए इस वीडियो में। मोहम्मद अकरम मेरा नाम है, माशाल्लाह 20 साल से लगा रहे हैं, और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के करीब है ये, नाजमाबाद पापोश नगर का इलाका है। हमारे पास चिकन कॉर्न सूप है, और स्पेशलिस्ट जो है वो बटेर का सूप है और बटेर की यखनी है। यहाँ ये बटेर का सूप जो है, बटेर डाल के इसमें गरम मसाले वगैरह, अदरक लहसुन, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें डल के तैयार होता है। इसको बनाने में बड़ी मेहनत होती है और 4 से 5 घंटे लगते हैं। ये सादा 20 रुपये का है, अंडे वाला 40 का है, और बटेर और एक यखनी और एक बटेर 80 रुपये का है। इसकी खासियत ये है कि इसमें जो है नज़ला ज़ुकाम फालिज वालों के लिए और ये अपना सांस वालों के लिए बहुत मुफीद है। नहीं, ये सिर्फ जो है अक्टूबर से लेके मार्च तक, बटेर नहीं होगा तो हम ये टीए बंद कर देंगे ना। 20 साल से लगा रहे हैं माशाल्लाह, ये तो गारंटी है कि बटेर ही है, क्योंकि बटेर जो है सस्ता है, बटेर इतना महंगा नहीं है, मार्केट में 60-70 रुपए का मिल जाता है।